मशहूर है कि जब शहर पंपियाई में 1000 साल पहले शहर पंपियाई शोलों में जल रहा था, तो फिर एक नाबीना खातून छड़ी पकड़ के, फिर तारीख हमें ये बताती है कि दूसरी जंगे अजीम के बाद छड़ी जो है इसकी अहमियत में इसलिए इजाफा हुआ कि जंग की तबाहकारियों के बाद बहुत सारे लोग बसारत से महरूम हो गए। फिर दुनिया को ये सोचना पड़ा कि आखिर क्या किया जाए, कि कौन सी निशानी रखी जाए। ये सफेद जो निशान है इसको अपना लिया गया इसलिए कि सफेद निशान अमन का निशान है, सफेद निशान आशती का निशान है, और बेसारत से महरूम लोग इस बात के मुतकाजी हैं कि उन्हें सफेद निशान के हामिल शख्स समझ के उनकी मदद की जाए। अगर किसी के हाथ में सफेद छड़ी है और उसके पास से कोई साइडेड आदमी गुजर रहा है, जरूर यकीनन बसारत से महरूम होगा, यकीनन बसारत से महरूम होगा, क्योंकि बसारत से महरूम आपको नहीं देख रहा लेकिन आप उस पर जरूर देख रहे हैं। लिहाजा आप जहां भी हो, सफर में हो या हजर में हो, आप ये बात जहन नशीन कर लें कि जिसके हाथ में भी सफेद छड़ी होगी वो यकीनन बसारत से महरूम है। आज ये दिन जो है 15 अक्टूबर 1964 से बाकायदा तौर पर मनाया जा रहा है, जब अमेरिका के अंदर तक दुनिया के कोने कोने में, करिए करिए में, शहर शहर में, नगर नगर में, डगर डगर में, आज का दिन जो है वो बसारत से महरूम लोगों के नाम किया जाता है, जो इस बात के मुतकाजी हैं कि ये माशरा, ये हुकूमत मजदूर अफराद के हकूक भी पूरे करे, खा वो मुलाजमतों का मसला हो, खा वो तालीम का मसला हो, खा उनकी समाजी जरूरियात हो, खा उनकी दूसरी जरूरियात हो, हम सबको आज ये तय करना होगा कि वो जिस हैसियत में भी है वो नाबीना लोगों की आंखें बन जाए, जिसके हाथ नहीं है वो हाथ बन जाए, जो समाज से महरूम है उनकी समाज बन जाए, जो चलने से महरूम है उनके पांव बन जाए। मैं आखिर में तमाम लोगों का जिन्होंने खास तौर पर यूथ सेंटर जो कि इम्तियाज कादर साहब की क्यादत में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका और कश्मीर इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन जिसके डायरेक्टर डॉक्टर अमजद अंसारी हैं, उनके स्टाफ और तलबा का तहे दिल से मनून हूँ। इसके अलावा हमारे देरीना दोस्त और आजाद कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद रमजान चुगताई और इनके हमरा जो दीगर जो हैं साफी चौधरी खालिद साहब और जितने भी लोग हैं, मैं तमाम लोगों का, रेडियो के लोगों का, जिन जिनको मैं देख नहीं सकता लेकिन वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों का, फैसल शहजाद एडवोकेट जो कि कंट्री डायरेक्टर है पाक ट्रस्ट का, सब लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ। और तवक्को करता हूँ कि यह बात हमारी यूथ सेंटर के ऑफिस वाके गाजी मंजिल पे जाके खत्म होगी, गाजी मंजिल तक जो है वो हमारा साथ देंगे। वाखरुदा वारा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।